सदी के महानायक और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र में भी बेहद एक्टिव हैं। अमिताभ केवल अपनी फिल्मों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बिग बी की सोशल मीडिया पर काफ़ी फैन फॉलोइंग रहती है और अक्सर अलग अलग मुद्दों पर वे अपने पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अब अमिताभ बच्चन अपनी हालिया पोस्ट के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने 17 जुलाई के तड़के ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, कुछ है नहीं लिखने को। अमिताभ के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया। काफ़ी लोग अमिताभ बच्चन की आलोचना के लिए ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर कुछ नहीं है लिखने को तो कम से कम पेट्रोल के दाम पर ही कुछ लिख दें। दरअसल अमिताभ बच्चन ने 2012 में पेट्रोल के दाम पर ट्वीट किया था और उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट पर लोग आज उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तो पेट्रोल के बारे में ही कुछ लिख दो। दूसरे यूजर ने लिखा, हाँ बिल्कुल है लिखने को, मगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो इस बार कुछ पेट्रोल पर हाहाकार लिख कर दिखाओ भाई साहब। एक अन्य ने लिखा, और अब इन्हें पेट्रोल और डीजल महंगा भी नहीं लगता। बहुत कमाल के अभिनेता हैं, 2014 से पहले भी शानदार एक्टिंग करते थे। एक ने तो लिखा, धन्यवाद मोदी जी, आप लिख सकते हो क्योंकि आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। एक ने तो हद ही कर दी, लिखा, चाचा फिर पेट्रोल छिड़क लो। एक अन्य यूजर ने लिखा, आज का पेट्रोल का रेट ही लिख दो। एक यूजर ने लिखा, 2013 में जितने मोदी जी ने पेट्रोल पर ट्वीट करने के लिए पैसे दिए थे उससे डबल हम भारतीय आपको दे देंगे, सिर्फ हर रोज पेट्रोल के दाम ट्वीट कर लो। एक अन्य यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन लिखने को बहुत कुछ है। एक, देश में आए विभिन्न राज्यों में बाढ़ पर लिखिए। दो, देश में बढ़ते हुए महंगाई पर लिखिए। तीन, देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर लिखिए। चार, देश में बढ़ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर लिखिए। पाँच, देश में तानाशाही रवैया चरम पर है, इस पर भी लिखिए। अब अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म चेहरे में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ लीड रोल में इमरान हाशमी हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों में झुंड, ब्रह्मास्त्र, मेडे और गुड बाय जैसी फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।